गाइस वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मेरी जो है तबीयत भी अभी ठीक है। और अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और मैं यहाँ के आ गई हूँ। और नहाने के बाद जो है मैं कपड़े लेके आई हूँ बाल्टी में सुखाने के लिए, जो कि वहाँ रखे हुए हैं। अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। खाना बनाना है आज। मैंने सोचा पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है खाना बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड है नहीं घर पे और बस मम्मी और मैं हैं। तो मम्मी तो अभी मतलब जो नहा धो के, मम्मी के आज पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मम्मी जो है अभी कुछ कुछ खा के, मतलब घर में फल फ्रूट्स रखे हुए थे तो वो खा के, और दवाई जो है मम्मी खा रही हैं। तो मम्मी ने बोला पहले जो है काम कर लो, फिर उसके बाद जो है खाना बनाना। तो मैं चल रही हूँ अभी, पहले नहा के आ गई हूँ। इस बाल्टी को मतलब जो बांधना है, जूड़ा बनाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसीलिए। और मैं कपड़े सुखाऊंगी, फिर उसके बाद जो है चलूंगी खाना बनाने के लिए। और खाने में सोच रही हूँ मिक्स सब्जी बना लूँ। मिक्स सब्जी मतलब आलू गोभी और बैंगन और मूली डाल के, ये सब्जी ना अच्छी लगती है। थोड़ी सी मतलब ग्रेवी रखो इसके और अच्छी लगती है सब्जी में। और तो मैं वही बनाऊंगी, चावल बना लूँगी और रोटी, क्योंकि मम्मी रोटी खाती है और मैं तो चावल ही खाती हूँ। और अभी चल रही हूँ मैं नीचे फटाफट से। मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, और क्या क्या करूँगी पूरे दिन मुझे नहीं पता, बट जो भी करूँगी आप लोग के शादी करूँगी। गले में थोड़ी सी ना खराश है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही होगी, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। और तो चलो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो आप लोग से मिलूँगी, जो भी करूँगी आप लोग के साथ करूँगी। तो इस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना। पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय 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 बाय। अभी नहीं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े जो है मैं रूम में ही डाल रही हूँ। रूम में रस्सी जैसे डली हुई है, तो इसमें रस्सी बांध दी गई थी, तो इसी पे मैं यही कपड़े सुखा रही हूँ कमरे में ही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी है। और वैसे तो कपड़े मशीन में सुखा दिए थे, बट यहाँ पर जो ये डाल दूँगी ना, तो ये गर्मी के मारे अपने आप सूख जाएंगे, तो बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है और बार बार ऊपर भी आना नहीं पड़ेगा। और ये पूरी रात तो ऐसे पड़े रहेंगे, सुबह मैं उठा के ले जाऊँगी इसको। तो ये देखो मैंने जो है पूरे कमरे में मतलब कपड़े सुखा दिए हैं, और यहाँ पे जो खाट पे भी डाल दिए, क्योंकि रस्सी पूरी बंद नहीं रही थी। तो और उसके बाद जो है ये नहाने की पहली ही क्लिप है, और मैं यहाँ पे जो है स्ट्रीम ले रही हूँ अपने फेस पे, भाप ले रही हूँ और इस मशीन से ले रही हूँ। और ये ना मतलब हर साइट पे मिल जाएगा, हर ऐप पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मीशो वगैरह सब पे मिल जाएगा, बट हमने तो शायद फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। बहुत ही अच्छा है स्ट्रीम लेने के लिए। और मैंने सोचा चलो आज मैं मतलब फेस पे ना मेरे थोड़े थोड़े से ना ब्लैक हेड्स हो रहे थे नोज़ पे, तो मैंने सोचा चलो मैं स्ट्रीम ले लेती हूँ, जिससे कि डस्ट वगैरह जो है बाहर आ जाएंगे, मतलब जो है अच्छा रहता है फेस पे भाप लेना। वैसे तो मैं आप लोग को बहुत ज्ञान झाड़ रही हूँ, बट मैं खुद ही ये नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं करती हूँ। वैसे तो ये डेली करना चाहिए, और इसके करने से ना मतलब डेली फेस पे स्ट्रीम लेने से फेस में काफ़ी सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इवनिंग का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं, सो के उठ गई थी 5 बजे, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और शाम की झाड़ू। वैसे तो घर में इतना घर इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बट शाम की झाड़ू तो निकालना ही पड़ता है। झाड़ू लगाने के बाद जो है पूजा वगैरह होती है, इसीलिए जो है शाम को झाड़ू लगाना ही पड़ता है, चाहे डस्ट हो या ना हो। तो बस यहाँ पे जो है मैं शाम को 5 बजे उठ गई थी, और शाम का इवनिंग का मेरा यही काम है कि उठते ही जो है पहले सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ 5 बजे ही, 5:15 बजे के बीच में मेरा झाड़ू जो है लग जाता है। तो और बाहर भी अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट फिर भी मैं जो है लगा दे रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को दिख रहा होगा गेट पे कितनी ज़्यादा है जो है रोशनी है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद जो है इवनिंग के बर्तन वगैरह उसको भी धुलूँगी। और मम्मी का आज खाने का मन है, चाउमीन खाने का मन हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कि चाउमीन बना लेना आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और आज इसमें जो है काफ़ी सारी सब्जियां मिक्स करने वाली हूँ चाउमीन में। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च, उसके बाद जो है काटूँगी चुकंदर, काफ़ी सारी सब्जियां मैं डालूँगी, जो जो आप लोग को पसंद हो वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी, पहले तो मैं शिमला मिर्च काट ले रही हूँ, और उसके बाद पतले पतले मैंने काटे हैं। आप चाहे तो जैसे भी इसको मोटा भी कर रख सकते हो,
पतले भी रख सकते हैं, बट इसमें पतले ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ले आई हूँ चुकंदर, वो भी काट लूँगी। सारी सब्जियाँ काटने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या काटा हुआ है, और जो भी कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ ही कर रही हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो भी करूँगी आप लोग के साथ ही करूँगी। तो और मैंने वो चाउमीन जो है बॉयल करके उसको जो है टोकरी में रख दिया है सूखने के लिए पंखे के सामने, ताकि उसका जब पानी हो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये देखो मैंने यहाँ पर काट लिया है शिमला मिर्च, चुकंदर, और ये जो है मिर्च पतले पतले में पतले पतले टुकड़ों में लंबे लंबे काट लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्याज काट लिए मैंने, और पत्ता गोभी काट लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी सोयाबीन और क्या नाम है सोयाबीन और पनीर ऐड करूँगी लास्ट में। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख लिया है, विनेगर, सोया सॉस, और ये देखो चाउमीन भी मैंने इसको जो है पंखे में सुखा के ले आई थी रख दिया है। और ये देखो पनीर होममेड पनीर है, मैंने घर में खुद से बनाया है, और इस सोयाबीन को डाल दिया है गर्म पानी में ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए और इसका जो है सोयाबीन का कच्चापन जो है वो निकल जाए पानी में। और ये देखो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी, और इधर जो है साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई तो मेरी गर्म हो चुकी है, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी तेल। तेल इसमें कम ही लगता है, कम ही डालना, ज़्यादा मत डालना। और उधर देख रहे हो साइड में पनीर को जो मैंने कट कर लिया था, ये होममेड पनीर है ना, थोड़े थोड़े से दानेदार है, इसलिए इसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए जो है मैं इसको अगर पहले ऐड कर दूँगी ना तो ये सारे मैसी हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डाल देना है मिर्च और प्याज, और उसके बाद जो इसको अच्छे तरीके से चला लेना है, और चलाने के बाद इसको जो है कच्चापन बस दूर करना है इसका, ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा नहीं भूनना है सब्जी को। और उसके बाद जो यहाँ पे देखो सोयाबीन को मैंने अच्छी तरीके से पानी इसका निचोड़ लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, क्योंकि बड़े वाले सोयाबीन थे और तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्याज और थोड़ी सी जो है मिर्च, प्याज और मिर्च जो है थोड़ी सी जो इसका कच्चापन टेस्ट में कच्चापन मैंने दूर कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर डाल दिया है सोयाबीन बरी, और इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ी थोड़ी देर चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर दूँगी, जितनी भी सब्जियाँ थी जैसे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और क्या नाम है चुकंदर, इन सारी सब्जियों को डाल के, और कम से कम तो इसको फुल फ्लेम पर रख के, और उसके बाद जो इसको 2 मिनट तक ही ज़्यादा भूनना है फुल फ्लेम पर, और बराबर चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो है ज़्यादा सब्जियों को भूनना नहीं पड़ता है, और 2 मिनट तक बस इसको भून लो तो काफ़ी है, इनफ है इतना ही। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें मैं जो है डालूँगी चाउमीन। हाँ, और ये पहले से पहले मैं दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोग को भी मज़ा आ रहा है देखने में, और आप लोग भी ट्राई करना, और पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ट्राई करके, और काफ़ी अच्छी लगती हैं। और सब चीज़ मैंने डाल दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है इसमें जो मैगी में जो मसाले निकलते हैं ना वही मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं मैगी वाली जो है चाउमीन यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मसाले डाल दिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ी सी इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च डाल दूँगी अपनी, जितना तीखापन रखना उतना रखना आप। वैसे तो मैंने काफ़ी बार चाउमीन की रेसिपी शेयर की है, बट मैंने आज तक ये सब्जी वाली मतलब पूरी सब्जी को नहीं शेयर किया हुआ है, जैसे सोयाबीन और चुकंदर मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐड किया है। तो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, मम्मी एक दिन कह रही थी कि मतलब जो है ना, मम्मी उसी दिन कह रही थी कि एक दिन बस सिर्फ यही बनाना, रोटी मत बनाना खाने, बस यही खाएंगे, इतना पसंद आया था मम्मी को। और उसके बाद यहाँ पे चाउमीन ऐड कर दिया, और उसके बाद जो इसको अच्छी तरीके से मैं चला लूँगी। और ये देखो मैंने जो है चाउमीन के चम्मच जो होते हैं ना कांटे वाले चम्मच, मैं उससे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी इसमें विनेगर, और थोड़ी सी विनेगर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी लगे यहाँ सोया सॉस, ताकि कलर इसका काफ़ी अच्छा आ जाए, और सोया सॉस तो इसमें मेन होता है, अगर आप लोग को कलर के लिए वैसे होता है बस इसका, तो इसका मतलब क्या बोल रही, इसका टेस्ट भी जो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और इसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और सबसे लास्ट में डालूँगी इसमें पनीर, क्योंकि पनीर मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने बताया कि घर में बनाए हुए थे थोड़े थोड़े दानेदार से हैं ये, अगर मैं इसको डालती काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से, अगर पहले डालती तो ये पूरा मिक्स हो जाता है इसमें, पता भी नहीं चलता पनीर है कहाँ पर। तो बस मैंने यहाँ पर पनीर डाल दिया, और मेरी चाउमीन जो है बन के रेडी हो गई है, और थोड़ी देर चला ले लिया है।
तो ये देखो मेरी चाउमीन बन के रेडी हो गई है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और पसंद आए तो ट्राई करना आप लोग घर पे। तो चलो बस यहाँ पे मेरी चाउमीन तो बन गई है, और अभी इसको मैं थोड़ा साइड चला ही रही थी, हाँ बन गई है। और चलो अब मैं मम्मी को निकाल के दे देती हूँ, और उसके बाद जो इस वीडियो को भी एंड करूँगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।